हाय फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, कैसे हो आप? होप यू डूइंग ग्रेट माय फ्रेंड। ये आज का टॉपिक है कि क्या आप डॉग को किस तरह का मीट, नॉन वेज प्रोडक्ट डॉग को गर्मियों में दे सकते हो, और किस तरह का वेजिटेरियन फूड या कह लो फ्रूट डॉग को आप दे सकते हो। तो ये वीडियो बार बार रिक्वेस्ट की थी कि हमारा डॉग खाने से आनाकानी कर रहा है, ये हो रहा है, इसको डिहाइड्रेशन हो जाए, वो लिक्विड नहीं ले रहा। तो ये पूरा वीडियो उस चीज़ के ऊपर, वेज और नॉन वेज किस तरह की डाइट आप पूरा गर्मियां डॉग को दे सकते हो। ये गर्मियां स्टार्ट हो जाती हैं लगभग होलियां से लेकर, होली मोहल्ले से लेकर एंड चलती हैं ये दिवाली तक। तो ये पूरा जो लगभग कह लो कि 8-6 महीने का पीरियड होता है, और उसमें बीच में 3-4 महीने इतने टफ और चैलेंजिंग आते हैं पेट लवर के लिए, जो बहुत ही प्रॉब्लम्स हमारे लिए क्रिएट करते हैं। और इन केसेस में लास्ट ईयर की मेरे पास सच पड़ी हुई है, 23,000 डॉग बीमार हुए ऑल ओवर इंडिया, हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, बहुत सारी अलग अलग बीमारियां जो कि फूड से रिलेटेड, गर्मियों के रिलेटेड। गर्मियों का वेदर टोटली अनहेल्थी वेदर होता है डॉग के लिए। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, किस बंदे की ये सोच है कि डॉग को घी नहीं दिया जाता? डॉग को घी दिया जा सकता है, लेकिन डॉग को कभी कभी भी मीठा, कभी नमक, कभी दूध नहीं दिया जा सकता। तो मैं हैरान हूँ वो तकिया कलाम या वो लाइन कहाँ से आई जो हिंदी फिल्मों में बार बार रिपीट की गई है कि डॉग को घी हजम नहीं होता। वो बिल्कुल ये गलत धारणा है, डॉग को घी हजम होता है और उसके लिए बहुत बेनिफिट है। ये पूरा वीडियो देखिए, ये आपको सारे सवालों के जवाब देगा। स्टार्ट करते हैं पहले नॉन वेज प्रोडक्ट से, क्योंकि अंडा, बहुत सारे हमारे फ्रेंड ऐसा मानते हैं जो एग होता है, अंडा होता है, वो डॉग के लिए गर्म होता है गर्मियों में, मैंने वो बंद कर दिया या ऐसा रीजन हुआ। ऐसा कभी नहीं होता। अंडा डॉग के लिए बहुत फायदेमंद होता है। उबला हुआ अंडा आप डॉग को दीजिए, उसमें 9 अमीनो एसिड होते हैं, रिच ऑफ प्रोटीन होता है, जो डॉग की एनर्जी के लिए खासकर अनहेल्थी वेदर में बहुत हेल्पफुल है। तो उबले हुए अंडे आप डॉग को दे सकते हो, डिपेंड आपके पास छोटी ब्रीड है, बड़ी ब्रीड है। हाँ, अगर कुछ के डॉग के जो बीच वाली योक होती है, कुछ के मेरे फ्रेंड के डॉग जो बीच वाली योक होती है पीले रंग की, वो खाना नहीं पसंद करते, आप व्हाइट पोर्शन दीजिए। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उबला हुआ अंडा गर्मियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है और ये गर्म नहीं होता। दूसरा हमारा पॉइंट है मीट। यस, मीट गर्म होता है। बहुत सारे हमारे फ्रेंड ये मानते हैं कि मीट की तासीर ठंडी होती है, बट नो, अगर आप उसको कुक कर दोगे तो उसकी तासीर चेंज होती है माय फ्रेंड। वो किसी भी तरह का चिकन वगैरह, मीट वगैरह डॉग गर्मियों में ज्यादा खाना पसंद नहीं करते। अगर खाएंगे तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, और अगर एक बार खा लिया तो दूसरी बार वो खाने को पसंद नहीं करेंगे। अगर मैं नॉन वेज की ही बात करूं तो इसमें गोट का मीट कह लो, चिकन का मीट कह लो, लैम कह लो, ये चीजें बहुत गर्म होती है। ओट्स मेरे फ्रेंड बहुत सारे देते हैं अपने डॉग्स को, लोगों वो चीजों को मत दीजिए, इनको तस्वीर गर्म होती है, डॉग में पीले रंग का बाथरूम आएगा, हो सकता है बॉडी के ऊपर छोटे छोटे पिंपल्स हो जाए, ऐसी बहुत सारी कारण है, और डॉग वो खाने में इंटरेस्ट नहीं लेगा। सबसे बड़ा चैलेंज है, हम लीवर टॉनिक ट्राई करेंगे अलग अलग तरह के, लेकिन वो खाने में इंटरेस्ट लेगा ही नहीं, क्योंकि ये चीज उसके लिए गर्मियों में स्पेशली अच्छी नहीं होती। इसके साथ साथ ही आप डॉग को, जो मैं बार बार हर बार यूज करता हूँ, कि घी, कोकोनट ऑयल फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉग को मसाज आप कर सकते हो गर्मियों में नहलाने से 2 घंटे पहले। घी, यस, घर जो घर का घी हमारा होता है, ये आप डॉग को चावल, फीड और चौपाती के ऊपर लगाकर डॉग को दे सकते हो। अगर आप गोल्डन रिट्रीवर के हिसाब से बॉडी वेट, लैब्रा, जर्मन शेफर्ड, इनका बॉडी वेट लगभग एक जैसा ही होता है, रॉटवाइलर भी इसमें कैटेगरी में आता है, इसको आप एक स्पून, जो बकायदा सर्च की गई है उस हिसाब से, एक स्पून घी का हर एक खाने में दे सकते हो। अगर वो दिन में 3 टाइम खाना खा रहा है तो 3 चम्मच आप दे सकते हो, अगर वो दिन में 2 टाइम खाना खा रहा है तो 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, उसके खाने में मिक्स कर लगाकर, चौपा कर, किस तरह भी आप दीजिए, वो चीज़ बहुत ही फायदेमंद होती है। यस, घी इज वेरी गुड फॉर डॉग। इसके साथ साथ ही आप डॉग को लस्सी, जिसको मट्ठा, छाछ, अलग अलग हमारे स्टेट में बहुत सारी भाषा, देश में भाषा है, इसके अलग अलग नाम दिए हैं, बटर मिल्क हम इसको कहते हैं। मार्केट से भी बहुत सारी कंपनियां बटर मिल्क बनाती हैं, लेकिन वो वाला मत लीजिए जिसमें मीठी, स्वीट हो, चीनी डाली हुई हो या नमक वाली हो, जो नेचुरल फ्लेवर है बटर मिल्क, गाँव में तो अक्सर घरों में हमारे होता है, नहीं तो हम जो हमारे पास योगर्ट होता है, दही होता है, अगर आप उसको भी थोड़ा पतला कर लो, पानी डाल लो, फेंट लो उसको, तो वो भी एक अच्छी डॉग के लिए लस्सी, मट्ठा या छाछ बन जाती है। ये डॉग को डिहाइड्रेशन में बहुत ही रामबाण इलाज है। पूरी गर्मियां आप दोपहर में, सुबह शाम डॉग को बिल्कुल दीजिए, और कुछ मेरे फ्रेंड तो सर्दियों में भी डॉग को देते हैं, क्योंकि कुछ केसेस में होता है डॉग को सर्दी जुकाम कुछ हो, लेकिन बहुत सारे केसेस में दिस रिजल्ट इज रियली गुड माय फ्रेंड। इसी के साथ साथ मैं आपके साथ एक बात और शेयर करना चाहता हूं कि किस तरह का मीट डॉग के लिए ठीक होता है। उसमें स्टार्ट करते हैं हम, सलमन जो फिश आती है वो आप डॉग को दे सकते हो। हाँ, इसके साथ साथ आप पोर्क डॉग को दे सकते हो, और टर्की अगर इंडिया में कहीं अवेलेबल है, जहाँ मेरे फ्रेंड बहुत सारे व्यूज बाहर वाले हैं, अगर आपके वो देश में अलाउड है तो वो चीज़ें डॉग के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। इसके साथ साथ मैं और कुछ चीज़ें जोड़ना चाहता हूँ, जिसमें फ्रेश वाटर फिश, ताजी मछली पकड़ी हुई होती है फ्रेश वाटर से, वो आप दे सकते हो डॉग को।
बहुत सारे हमारे फ्रेंड हंटिंग करते हैं, वो रैबिट्स पकड़ते हैं, वो आप डॉग को दे सकते हो, और उसके साथ साथ आप नॉर्मली डक डॉग को दे सकते हो। ये इनकी मीट की तस्वीर और बाकी जो मैंने भी मेंशन किया उसकी मीट की तस्वीर का बहुत फर्क होता है। और ये हमारे डॉग्स में रिच ऑफ प्रोटीन कह लें, जो प्रोटीन की कमी है वो पूरी कर देंगे। बहुत सारे हमारे फ्रेंड फ्रूट्स के बारे में बार बार पूछते हैं, अभी टॉपिक करते हैं चेंज, हम फ्रूट के ऊपर जाते हैं, कौन कौन सा फ्रूट हम डॉग को दे सकते हैं। इसमें हदवाना होता है, वाटरमेलन कह लो, खरबूजा कह लो, ये चीज़ आप दे सकते हो, लेकिन बी सीड निकाल कर दे सकते हो। उसके साथ ड्रिंक में क्या क्या दे डॉग को दे सकते हो, आप सबसे बेस्ट होता है कोकोनट वाटर, जो फ्रेश कोकोनट वाटर होता है वो बहुत फ़ायदेमंद होता है, वो चीज़ काफ़ी हेल्प करती है डॉग को। उसके साथ साथ अगर आप घर में जो जूस हमारे बनते हैं, जो फ्रेश जूस होते हैं, वो आप डॉग को दे सकते हो। लेकिन हाँ, सीड हमेशा निकाल कर एप्पल आप डॉग को दे सकते हो, एप्पल का भी सीड और जो बीच वाला उसका जो तना होता है उसको निकाल कर, वो बहुत ज़रूरी होता है, वो हम भी इंसान भी नहीं खाते, उसमें बहुत सारे ऐसे एंटीटॉक्सिस होते हैं जो डॉग के लिए हार्मफुल है। केला बनाना दे सकते हो आप, मैंगो दे सकते हो, पीला येलो मैंगो आप डॉग को दे सकते हो। आप बाकी रही कंटिन्यूस बात विद फ्रूट्स की, आप ऑरेंज दे सकते हो, लेकिन उसमें मैं बार बार कहूँगा सीड निकाल कर दीजिए। आप क्यूकम्बर डॉग को दे सकते हो सकता है उसमें भी सीड निकालिए। कोई भी ऐसी चीज़ मत दीजिए जिसमें सीड निकल नहीं सकता, जैसे अमरूद होता है उसमें आप सीड नहीं निकाल सकते, ग्रेप्स होते हैं, ये डॉग को मत दीजिए। बाकी मौसमी जो भी फल आपके स्टेट में है वो आप डॉग को दे सकते हो, बट आपको कभी भी लगे कि अनडाइजेस्टिबिलिटी की कहीं भी दिक्कत है तो नियरेस्ट जो भी आपके नज़दीकी गवर्नमेंट डॉक्टर हैं उनके साथ जरूर संपर्क में रहिए। तो ये वीडियो पूरा आपको हेल्प करेगा कि किस तरह आप डॉग को नॉन वेज और वेज रह देकर, आप जो भी आपकी घर की मर्यादा है उसको बिना तोड़ते हुए आप डॉग को डिहाइड्रेशन और गर्मियों में हेल्थी, और कहाँ उसको स्किन की प्रॉब्लम ना हो जाए, वेट कहीं ना कम हो जाए उसका, वो उसका ग्लोइनेस बालों की शाइनिंग है वो ना कम हो जाए, हमारा डॉग क्यूट और हेल्थी दिखे, ये सबसे बड़ी हमारा चैलेंज होता है गर्मियों में। और ये हमारी टीम आपके लिए हमेशा खड़ी रहती है। अगर मोर डिटेल के लिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब डिटेल दी हुई है, प्लीज़ चेकआउट। और बाकी हमारे वीडियोज़, हमारा ऐप जरूर देखिए, हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, आईफोन एंड्रॉइड फोन दोनों पर अवेलेबल है। हमारे वीडियो देखिए, फुल ऑफ नॉलेज वाले हैं और हर एक सिंगल टॉपिक पर हमारा वीडियोज़ है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, लव यू। ओला शोला चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। अपने फेवरेट सोशल मीडिया नेटवर्क साइट्स पर भोला शोला चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करें। अपने दोस्तों, पड़ोसियों, पेट लवर्स के साथ हमारे वीडियोस और चैनल संबंधित जानकारी को साझा करें।